तो ये कहानी है उस दिन की जब मैंने दिल से मान लिया था कि बादल तो सच में इम्पोर्टेंट है बाबा, क्योंकि ये कहानी है हमारी पहली उड़ान की। फिलहाल ज़िंदगी में तो स्ट्रगल की गलियों में टहल रहा हूँ मैं, पर आज से करीब एक साल पहले मैंने अपनी पहली फ्लाइट एक्सपीरियंस की थी, वो भी सीधा कश्मीर के दिल यानी डल की ओर। तो यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं हमारे साथ कश्मीर की तरफ बढ़ने के लिए। तो सफर की शुरुआत हुई सपना ना होने की कंफर्मेशन लेकर, और फुल वाइब में आपका भाई दिल्ली के लक्ष्मी नगर से निकला IGI एयरपोर्ट की तरफ। अब फर्स्ट फ्लाइट है तो उसको अपनी ट्रैवल डायरी के लिए शूट करना तो बनता है ना ब्रो। कश्मीर जाने के लिए आपको चाहिए होता है तो कश्मीर जाने के लिए आपको चाहिए कश्मीर जाने के लिए आपको चाहिए एक पोस्ट पेड सिम, टिकट्स, कुछ गर्म कपड़े और एक दोस्त। और वो आ गई हमारी सवारी। We are going to Kashmir. दिल्ली से श्रीनगर कुछ एक घंटे की फ्लाइट होती है जिसमें आपको हिमालयस के कुछ सबसे बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, बस अगर बादल ना हो तो। फिलहाल हमारी पहली फ्लाइट में बादल तो खूब थे, पर वो पहली थी तो बस मन हर चीज से खुश ही हो रहा था, क्योंकि वजहों की कमी जो नहीं थी हमारे पास, क्योंकि कश्मीर जाना तो एक बचपन का सपना सा ही था जो मेरी आंखों के सामने सच होता चला जा रहा था, और पहली बार दुनिया को इतनी ऊंचाई से देखा था मैंने।
तो इतनी सारी अनगिनत वजहों के साथ मुस्कुराते हुए हम उतरे श्रीनगर एयरपोर्ट पर। कश्मीर की सरजमी पर हमने कदम रख दिया है। दिल्ली से फ्लाइट लिया था हम लोगों ने 1 बजे और 1 घंटे में वी आर हियर इन कश्मीर। डल के पास पहुंचते ही सबसे पहले एक सस्ता येट कंफर्टेबल स्टे का जुगाड़ किया गया जो कि था अराउंड 500 रुपीज फॉर अ नाइट। चलो देख लिया हाउस बोट, आओ थोड़ा घूम के आते हैं। Good morning everyone, welcome back to another travel vlog and this time welcome in Kashmir. So we reached here yesterday in the afternoon, we got this houseboat jiska tour hum aapko de chuke hain and when we were out I forgot my battery is here and raaste mein hi ye iska battery low ho gaya GoPro ka and uske aage main shoot nahi kar paya. Koi na, we have many days. So this place is basically known as the Dal Gate and if you can see the bridge in front of me, right next to the bridge is Dal Lake. It's 9 in the morning, we woke up at 7 and it's still raining here. वैसे आज का प्लान हमारा बस रिलैक्स करने का था, सामने डल झील पे जाने का था और पास में ही यहाँ पे श्रीनगर का लाल चौक है तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग करने का था। तो यहाँ सुबह सुबह जल्दी उठने की वजह ये थी कि हमें जाना था आकाश की दीदी के घर जो कि है बादामी बाग में, यही श्रीनगर में। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ आप लोगों को मैं वहाँ अपना कैमरा नहीं लेके जा सकता, मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो वो पार्ट आप लोग नहीं देख पाएंगे। वहाँ से आने के बाद विल गेट द कैमरा फ्रॉम हेयर एंड हम जाएंगे डल लेक और उसके बाद लाल चौक। दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। आई होप ये बारिश रुक जाए सो दैट वी कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर। वी हैव मैनी प्लेसेस टू कवर इन कश्मीर बट मैं वो रिवील नहीं करने वाला क्योंकि वी डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट? वी ओनली नो वट इज़ हैपनिंग एंड वट इज़ दिस प्लेस मैन, लाइक this is so 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 fucking relaxing man, I'm loving it. ye houseboat kitni purani hogi lagbhag 40-50 saal purani, abhi lakdi kitni mazboot ho gayi abhi tak chal rahi hai, devdar ka lakdi hota hai. Acha agar 100 saal ke baad usko pata chalta hai humko kaata hai
इस साल चेंज आया कुछ कोविड की वजह से आने वाले लोगों में, मतलब टूरिस्ट में? टूरिस्ट में बहुत सारा फर्क आ गया, बहुत सारा फर्क आ गया, अब कमाते हैं। हो गया हम दोनों रेडी, नाउ वी आर लीविंग फॉर पटवारा। पटवारा नॉट पटवारा, दीदी से मिलने जा रहा है आकाश पटवारा एक्चुअली हम, और आपसे मिलेंगे हम कुछ देर बाद, तब तक के लिए यू मस्ट बी ओके। सो वी आर बैक आफ्टर सम गुड फैमिली टाइम एंड नाउ वी आर टेकिंग यू टू द डल लेक। बोट वी आर स्टेइंग एंड वो ब्रिज के पार डल लेक है, इट्स इन चिनरबाग। तो सारे काम निपटा कर जब हम निकले तो लगा कि अब बस मैं फ्री हूं, नाउ आई कैन डू व्हाट आई लव द मोस्ट, रोम अराउंड and explore. दरअसल दीदी के वहाँ जाने में और वहाँ से आने में हमारा लगभग पूरा दिन ही चला गया, तो हमको ये इवनिंग ही मिली है यहाँ पे टू एक्सप्लोर। मैं यहाँ कल भी आया था सेम टाइम पे, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था एंड एज आई टोल्ड आई फॉरगॉट माय बैटरी। एंड नाउ प्रेजेंटिंग यू द हार्ट ऑफ कश्मीर डल लेक। पूरा गांव पानी पे बसा देख के अब प्यारा लग रहा था यार, बस यूं लगा कि जैसे इन हाउस बोट्स का पानी पे बसा हुआ एक अलग ही यूनिवर्स है जिसमें हम बहते हुए चले आए हैं। ये बेशक वेनिस से तो बहुत प्यारा है और शायद इसीलिए इसे जन्नत कश्मीर कहते हैं। You see, every single infrastructure you are watching here is built on water. It's lake all around, and lake पर ही सारी houseboats बने हुए हैं। अगर आप यहाँ रहते हो, रुकते हो, तो आना जाना आपको सिर्फ इसी शिकारा से ही करना पड़ेगा। अभी थोड़ा बादल हो गए ना, वरना अच्छा नजारा होता है। जिस एरिया का नाम है गोल्डन। अच्छा, और कितने पार्ट्स हैं इसके? इसमें तीन पार्ट्स। नहीं, ये इसके डल लेक के और डल लेक के तीन पार्ट्स। तीन पार्ट्स हैं। गोल्डन लेक, डायमंड लेक, सिल्वर लेक। अच्छा, गोल्डन, डायमंड, और चार चिनार, नेहरू गार्डन। नेहरू गार्डन, अच्छा, ये चीजें इस डल लेक। अच्छा, जो फेमस है। अच्छा अच्छा, नहीं चलना है हमें, आराम से चलना है। Yeah.
इज काइंड ऑफ अ होल विलेज जो पानी पानी पे वाला है एंड दिस इज सो शेकी मैन. ये पूरा ब्रिज बहुत शेकी है. ऑब्वियसली शेकिंग होगा. इट्स बिल्ड ऑन वाटर. इट्स फ्लोटिंग. अच्छा ये लेक जो है ये यहाँ पे कितना गहरा है अगर बाई चांस कोई गिर गिरा दे. हाँ नहीं नहीं अगर गलती से गिर जाए बहुत गहरा है. नहीं हमें डर लग रहा है इस पे चलते चलते बाई चांस हम फिसल गए आप बचा लोगे ना. अगर आप गए ना जी नहीं है. अच्छा बच्चा ना गिरना चाहिए. अच्छा बच्चा नहीं गिरना चाहिए. बच्चों को ऐसी बात नहीं आप नहीं गिरोगे. इसमें हीटर भी मिलेगा. इसको पता है बुखारी. हाँ बुखारी इसमें आग चलता है. चलो कॉमन रूम में ये पूरा रूम हीट अप करते हैं. ये जैकेट वैकेट निकाल दे जाएगा. इसमें ज्यादा गर्म एक फ्री की बोट राइड के बाद ऐसे ही टहलते टहलते कब टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला और हम लेट हो गए और यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स और सारी दुकानें वुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं. तो दिस वाज द ओनली रेस्टोरेंट जो खुला था एंड यहाँ के दे आर हैविंग सम बिरयानी. बिस्मिल्लाह करो. तो इसी के साथ हम करते हैं इस पहली वीडियो का एंड. आज का दिन लगभग ऐसे ही चला गया. सिर्फ डल झील घूम पाए और अब हम जा रहे हैं वहाँ पीछे जो बोट दिख रही है पता नहीं दिख भी रही है नहीं दिख रही है आपको. वहाँ हमारी हाउस बोट है उसमें जा रहे हैं और उसके बाद कल का जो प्लान है दैट विल बी अ फैंटेबलस सरप्राइज फॉर यू गाइस. अगले व्लॉग के लिए वेट करिएगा. दैट इज़ बाय. टेक केयर. पीस.